सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अडिग है, इसे हम बदल नहीं सकते, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इस मानव चेतना में उसे जान लिए। आज जो भी प्रश्न हमारे सामने है वो सारे प्रश्न केंद्रित है मानव पर। मनुष्य ने ही अपने प्रश्न खड़े किए और अपने खिलाफत में वो खड़ा हुआ। अंधकार में अज्ञान में मनुष्य देख नहीं पाता और इसी कारण हर तरह का विद्रोह, हर तरह की अनिति को अपनाता। उसे कुछ लेक्चर देने से, उपदेश देने से, भाषण देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत लोग भाषण देते हैं, घर के ऊपर तो जो देखो वही बोलने लग जाता। दो चार किताबें पढ़ ली घर से तो उस पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन इसका असर मनुष्य पर पड़ना पड़ा। वास्तविकता ये है कि हम अभी तक उस स्थिति में नहीं जहां हम धर्म के तत्व को अपने अंदर समाएं और सत्य को जान। वो तत्व हमारे अंदर जागृत होना चाहिए और वो तत्व ही आत्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करता है और देखता है कि हम क्या करते हैं। हमारी पूरी गतिविधियों के तरफ उसका ध्यान और सोचता किस तरह से इस मानव के अकल आए, लेकिन वो हमारे चित्त में नहीं, इसीलिए वो हमारे जीवन में नहीं। उसे चित्त में लाने का एक ही मार्ग बनाया हुआ परमात्मा ने कि आपका संबंध उससे घटित हो जाए और वही घटना जो है वो सहज योग से ही प्राप्त हो सकती है। सहज का मतलब आप जानते हैं कि स हमारे आत्मसार और ज हमारे जन्मा हुआ, ये योग का अधिकार आप सबको। सत्य जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उसको जरूरी है कि आप अंधश्रद्धा में माने, पर इसका पड़ताला नहीं, इसका प्रमाण मिलने पर तो आपको ईमानदारी से इसमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी भी भलाई है, इस देश की भलाई है और सारे संसार की भलाई। इसके बगैर ये संसार न जाने किस नर्क में जाके पड़ने वाला है। सत्य ये है कि आप शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि में, यहाँ तक कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो भी आप में समाया हुआ है। आप एक शुद्ध आत्मा है, उस स्थिति में न पहुंचने के कारण ही आप अंधकार में और अज्ञान में। और दूसरा सत्य ये भी है कि चारों तरफ हमारे परमात्मा की प्रेम की सृष्टि, ब्रह्म चैतन्य चारों तरफ। देखिए आपके आकाश में देखिए कितना प्रकाश हो रहा है, ये सारा प्रकाश उस ब्रह्म चैतन्य का, जो सारा कार्य जिसका भी जीवित कार्य है उसे हर समय हर घड़ी हर पल कर रहा है, उसे हम समझ नहीं पाते। ये फूल लगे हुए आप देख रहे हैं, यहाँ की हरियाली की जो हरियाली है इसे आप देखते हैं, खेती में जो जो कार्य हो रहा है उसे आप देखते हैं,
पर कभी सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि हम बीज इस पृथ्वी माता में छोड़ देते हैं और उसको अंकुरित करके ये पृथ्वी माँ हमें इतने फल दे। इस पर हम विचार भी नहीं करते कि ये शक्ति कौन सी। कहते हैं कि हम अमीबा से इंसान बने, तो कौन सी शक्ति ने हमें अमीबा से इंसान बनाया? ये सारे कार्य कौन करता है? हर पेड़ की अपनी एक सीमित बाढ़ होती है। जैसे कि समझ लीजिए एक आम का पेड़, वो एक हद तक ही बढ़ेगा, या दस एक गुलाब का पौधा होगा वो भी एक हद तक बढ़ेगा, मनुष्य भी एक हद तक ही बढ़ता है। ये कौन सीमित करता है? ये कौन चलाता है? हमारे हृदय का स्पंदन, इसे हम अनहत कहते हैं। अनहत का मतलब है कि जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती है तब आवाज होना, वो तो हत हुआ, लेकिन बगैर ऐसे जो आवाज हमारे हृदय में आती है ये कहाँ से आती है? डॉक्टरों को भी इसका कोई उत्तर नहीं, और वो ईमानदारी के साथ कह देते हैं कि साहब हम इसके मामले में कुछ जानते नहीं, और हम सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। जो कोई सी भी जब हम अपने अंदर गति करते हैं, दौड़ते हैं, या किसी भी तरह का अति कार्य करने पर जब हमें श्वास लग जाता है, या जब हमारी हृदय की गति बढ़ जाती, तो अपने आप वो पैरासिम्पैथेटिक पता नहीं कैसे उसको फिर से नॉर्मल ले आते। उसका उत्तर उनके पास है, और शास्त्रों ने भी इसका एक ही उत्तर लिखा हुआ है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सब धर्मों में यही लिखा, लेकिन उस बात को कोई भी धर्म मार्गदंड मानते नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये कार्य कह सकते। इस वजह से धीरे धीरे जो धर्म बड़े उच्च स्तर पर बनाए गए थे, बहुत ही महान इस तरह के व्यक्तित्व बनाने की जिसमें पूर्ण शक्ति थी, वो धर्म अशक्त हो और उन धर्मों का बस पाखंड रह गया, क्योंकि ये धर्म सत्ता के पीछे में या पैसे के पीछे में दौड़ रहे। सबसे बड़ी तो सत्ता जब हमारी अपने ही ऊपर नहीं तो और दूसरी सत्ता लेकर के करना, और पैसे की इस तरह की गुलामी करना किसी भी सशक्त मनुष्य की व्याख्या नहीं करता। इसलिए हमें सोचना भी चाहिए कि आखिर कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी धर्म का हो, सिख धर्म का हो चाहे बुद्ध धर्म का हो, वो कोई सा भी पाप कर सकता है, उस पर धर्म का कोई बंधन नहीं पड़ता, उसके अंदर धर्म जागृत नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हम लोग इतने धर्म के पीछे पागल हो गए हैं, धर्म की हम बातें करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारे अंदर ये धर्म करते? कौन सा ऐसा रास्ता हमारे अंदर टूट गया है जिसके कारण हम इसे पा रहे हैं? एक ही बात है कि जब तक अपने अंदर आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक इसकी आत्मीयता हमारे अंदर है। इसे जिस धर्म का साथ आप अपने अंदर उतारना चाहते हैं वो आपसे अछूता ही, उसके लिए जरूरी है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। और इसका मार्ग बहुत सहज सरल है, कोई कठिन मार्ग नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे ये सहज सहज समाधि का कहा गया, सहज से ही करने कहा गया कि सहज ही होना चाहिए। इसमें अगर इतनी कठिनाई हो तो फिर ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन क्योंकि लोगों को इसका अधिकार नहीं, ज्ञान नहीं था, इस बारे में जानते नहीं थे, और पैसा और सत्ता के पीछे दौड़ रहे थे, इसलिए उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं थी। इसलिए वो सबसे बताते थे कि ठीक है आप ये करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन किसी को भी इसका फल नहीं, किसी को भी इससे सुख नहीं।
हर तरह की परेशानी आ रही। लोग कहते हैं कि माँ हम धर्म इतना करते हैं तो भी हमारे घर में इतनी परेशानी, हमारे देश में इतनी परेशानी। एक वजह यह है कि धर्म अंदर समाया ही नहीं, सब बाहर में ही रहे, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार का, इसमें मनुष्य को कितने लाभ हो सकते हैं उसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर। मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित कि इसके इतने लाभ इतने जल्दी लोगों को हो रहे हैं, पर लोगों ने कभी इधर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इधर कोई संशोधन ही नहीं किया कि चलो इस तरह से ये कार्य हो सकता। इसके बारे में अपने शास्त्रों में अनादिकाल से लिखा गया। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुंडली का जागरण जो है उसका वर्णन हर जगह था, लेकिन इसे कोई कर नहीं पाया। लेकिन आ जाता है कि राजा जनक ने एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और फिर पाली शताब्दी तक एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता, ऐसी ही परंपरा थी। बारहवीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भाषा में पहली मरतबा इसके बारे में, इससे पहले सब संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और संस्कृत भाषा में कोई समझ नहीं पाते थे क्या चीज, जो समझे थे वो एक ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार दिया। ज्ञानेश्वर जी ने जब अपनी ज्ञानेश्वरी इसके बारे में लिखा छठे अध्याय में, कुंडलिनी इस तरह से होती है और वो जागरूक होकर के ही योग को घटित करती है, तब धर्म मार्तंड ने सोचा कि ये तो अपने बस का नहीं, तो अच्छा तुम ज्ञानेश्वरी तो पढ़ो लेकिन ये जो छठा अध्याय है उचित है इसे न पढ़ो। इस प्रकार वो भी चीज वही खत्म हो गई। यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में तो किसी ने कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था। शुरू शुरू में जब कुंडली की बात करती थी तो कुंडलिनी की बात करती थी तो हम सोचते मैं कुंडली की बात कर, इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है, लेकिन कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये सब जगह लिखा हुआ था और उसको जागरूक करने के बारे में भी लिखा है, किंतु उसकी जागृति बहुत ही सीमित। आज ऐसा समय आ गया है हजारों में ये जागरूक हो और होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न हो मनुष्य में ये विशेष उसकी जो शक्तियां वो प्रकटित न हो तो मनुष्य नष्ट हो। उसके अंदर इतनी शक्तियां निहित है, इतनी शक्तियां छिपी हुई है कि उसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम अपनी बात से इंसान बने और इंसान से अब थोड़ा सा मार्ग और चलना जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसके प्रकाश आत्मा के प्रकाश में हमें अंतर दिखाई देगा कि हम क्या थे और अब क्या। पहले तो आपको जिसे विचार समाधि कहते हैं वो प्राप्त, माने आप दिमाग में विचार हर समय मंडराते रहते उसकी जगह एक शांति प्रस्ताव, जैसे कि एक विचार उठता है और फिर गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है और गिर जाता है, और हम लोग उस विचारों के ऊपर कूदते हैं। विचार या तो भविष्य से आता है और या तो भूतकाल से आता है, पर अगर हम कहें कि वर्तमान में आप बैठिए तो आप बैठते हैं और वर्तमान ही अच्छी है, भूतकाल खत्म हो गया और भविष्य जो है वो कोई जानता है। इसलिए आज तो एक क्षण है, हर क्षण एक क्षण जो है यही असलियत, यही वास्तविकता है, इसमें हम ठहर नहीं पाते। इसलिए आत्म साक्षात्कार में जब कुंडली का जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं कहना चाहिए, और उसके बीचों बीच की जो जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वहां पर वर्तमान वहां आपका चित्त ठहर जाता है, उसे आपके दिमाग में एकदम से खुलापन आ जाता है।
कोई विचार नहीं, एकदम खुला पड़ा। जैसे कि बुद्ध ने कहा है एम्प्टी माइंड। वो आने के बाद मनुष्य की दूसरी दशा होती है, जिसको कि हम कहते हैं एक स्थिति है कि जिसे निर्विकल्प समाधि है, जहाँ पर थोड़ा सा आप अपना कनेक्शन जब ठीक कर लें, इसको पूरी तरह से बना लें और अटूट हो जाए, उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि अपने आप आ जाती है। और ये निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है जहाँ की मनुष्य को कोई भी इसके बारे में शंका नहीं है और उसकी सब शक्तियां फिर रहना शुरू, अंदर और बाहर। अंदर आपको आत्मबोध हो जाता है, आप अपने चक्रों के बारे में अपने उंगलियों पे जान सकते हैं, इतना ही नहीं अंदर आपको शांत करता है, पूर्णतया आप शांत हो। जैसे कि एक चक्का है वो घूमते रहता है और उसका जो मध्य बिंदु है वो स्थिर हो, वो अगर स्थिर न हो तो गाड़ी चली नहीं। इसी प्रकार आपका जो दिमाग ये चारों तरफ घूमते रहता है वो जाकर के आपके मध्य बिंदु पर टिक जाता, एक्सिस पे टिक जाता, वहां से आप सब चीज देखते हैं, लेकिन आप शांति से सब चीज देखते हैं। देखना मात्र होता है, उससे आप घबराते नहीं, और इतनी शक्ति आ जाती है कि जब आप उसे देखते हैं उस देखने से ही वो प्रश्न वो तकलीफें अपने आप दूर हो जाती। जैसे कि समझ लीजिए आप पानी में खड़े हैं तो पानी के बहाव में आपको डर लगता है लहरों से, लहरें उठ रही, लेकिन अगर किसी तरह से आप अगर नाव पर चढ़ जाए तो आप उन लहरों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप तैराक हो जाए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। तो उसी दशा में उसी स्थिति में आप स्वयं उस स्थिति में पहुंचाते हैं जहाँ आप दूसरों का भी दिया जला, आपका दिया जला है और वो स्थित हो गया, वो स्थिर हो गया, उसके बाद आप दूसरों का भी दिया जला, दूसरों को आप जागृति दे सकते हैं, उनकी भी तबीयत आप ठीक कर सकते हैं, उनको मानसिक शांति दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्म की जो चरम सीमा मानी जाती है वो है आनंद, उस आनंद को भी मौका। और इस आनंद को पाने के लिए फिर आदमी बाकी के जो बेकार की चीजें हैं इसमें की भोग से मिलने वाला सुख है उसे छोड़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़िए, अपने बीवी बच्चे छोड़िए, कोई चीज ऐसी छूटती नहीं, लेकिन जो बेकार की चीजें हमारे साथ जुटी हुई है वो अपने आप छूट जाती है। और गृहस्थी में भी, पति पत्नी में भी और बच्चों में भी एक बड़ा सामंजस्य और एक बड़ा मधुर सा रिश्ता आपस में हो जाता है। ऐसे अनेक आज संसार में कुटुंब है जो कि सहयोग में आने के बाद बहुत ही सुचारू रूप से आपस में रहे। और बड़े आश्चर्य की बात कि ये इतने सहज में सारी बात है, मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। जैसे संतों ने कहा कि शराब मत पियो, किसी ने कहा सिगरेट मत पियो, किसी ने कहा ये मत करो वो मत करो, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ बस इनकी कुंडलिनी जागृत करो, थोड़ा सा प्रकाश इनके अंदर आने दो, ये अपने ही आप सब छोड़ देंगे और वास्तविक यही बात है। और फिर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही को समझने लगते हैं, आप अपने ही को दूर से देखते हैं और जानते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है, छोड़ दे। इतना ही नहीं, आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी चीज की इच्छा करें वो तत्काल उसी तत्क्षण पूरी हो जाती है। ऐसे भी हमने कुछ कुछ सहयोगी देखे हैं कि उन्होंने एक बार सिर्फ इच्छा करी और उसके कारण पता नहीं कैसे उनकी इच्छा में इतनी शक्ति थी कि कार्य एकदम उसी वक्त। पर आप जब आत्म साक्षात्कार होते हैं तब आपके विचारधारा भी बदल जाती है, आपकी मांगे बदल जाती है, और एक अजीब आनंद के सागर में सब लोग पूरी तरह से आनंद से रहते हैं। दूसरी उपलब्धि इसमें जो होती है वो ये कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक होते हैं। आज अगर आप जाने तो आप तो अपने बारे में भी नहीं जानते कि आपको क्या बीमारी हो रही है या दिमाग में क्या
आपके असर आ रहा है, आप समझ भी नहीं पाए, लेकिन सर्जन के बाद आप फौरन समझेंगे कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, कौन सा आपका चक्र खड़ा है। किंतु आप दूसरों के भी चक्र जानते हैं कि दूसरों को क्या तकलीफ, अगर आप ही जान लें कि ये चक्र किस तरह से ठीक कर दिए तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। तो सामूहिक चेतना एक नई चेतना है जो हमारे नसों में आ जाती है, इससे हम जान सकते हैं कि दूसरों की क्या। इस प्रकार इस हाथ को इस हाथ की पूरी कल्पना है और कोई इसे तकलीफ हो तो फौरन जानकारी हो जाती है। उसी प्रकार कहीं भी कोई सहयोगी उसको तकलीफ हो जाए, सारे विश्व के सहयोगियों को पता हो जाता है और सारे दौड़ करके उसे ठीक कर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 25 जर्मन सहयोगी वहां पर। हम लोगों को जर्मन के लिए जो कल्पना है वैसे अब सहयोगी बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा सुलझे हुए, सबसे ज्यादा नरम दिल और बहुत ही सजोने वाले, बड़े ही प्यारे लोग ये सहयोगी जर्मन। इतने नजाकत से आपसे बातचीत करेंगे कि आप सोचिएगा कि पता नहीं ये पूर्वजन्म से हमारे कौन रिश्तेदार यहाँ पहुंचे। वो पहुंचे जर्मनी, जर्मनी से रशिया। कहा कि तुम लोग कैसे चले आए, सब लोग छुट्टियां करते। बोले माँ आप कुछ सोचते कि ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे पूर्वजों ने यहाँ जो गड़बड़ की थी उसे हम ही तो ठीक कर सकते हैं, ये तो कौन ठीक कर। ये सुन करके मैं गदगद हूँ। मैंने कहा देखिए किस तरह इन्हें ये भावना आ गई है कि रशियन लोगों को जर्मन लोगों ने आके मारा है, तो आकर के आज हमारे ही ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, इसकी जिम्मेदारी है कि हम आकर के इन लोगों को ठीक। इस प्रकार की सद्भावनाएं जो कि विश्वव्यापी वो आपके अंदर जागरूक हो जाती है, एक विश्वव्यापी धर्म आपके अंदर आ जाता है। इसमें सारे ही धर्म, सारे ही अवतरण, सारे ही प्रेषित प्रॉफिट और सारे ही भ्रष्टा, आप कहेंगे सारे साधु संत हैं उसी में समाये। उसके इस विश्वव्यापी धर्म में किसी भी धर्म की निंदा या किसी भी सदगुरुओं की निंदा नहीं होती, लेकिन उनको पूजा जाए। आपको आश्चर्य होगा कि ईसाई लोग भी मोहम्मद साहब को पूछते, यहूदी लोग ईसा मसीह को पूछते, मुसलमान गणपति को पूछते और हिंदू लोग मोहम्मद साहब को पूछते। ऐसा आपने सुना नहीं होगा, पर यह चमत्कार हो क्योंकि प्रकाश आने पर दिखाई दिया ये तो सारे फूल एक ही आध्यात्म के पेड़ पर आए थे और हमने इसे तोड़ दिया और इस मरे हुए फूलों को हम अपना अपना कहते हैं, हालांकि हमारे अंदर इसकी कोई सुगंध नहीं है और लड़ रहे हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। ये जो फूल है इनकी जो खुशबू थी वो असलियत में आध्यात्म में है, और जब आप आध्यात्म में उतरते हैं तो वास्तविक में आप देखते हैं कि इन्हीं लोगों ने सारे कार्य किए जिसके कारण आज सहज बन पा, इसी के कारण आज आप यहाँ जमे हुए हैं और बैठे हुए हैं और आप एक साधक के रूप में आज आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। तब हम समझते हैं कि हमें कितना इसका आभार मानना चाहिए, इसके लिए हमें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे लिए कितनी वेदनाएं सही, कितनी तकलीफें सही और हर बार धर्म की स्थापना करने की कोशिश, पर हमने ही उसको समझाने अलग अलग उसे तोड़ दिया और आपस में लड़ने लगे। ये चीज सब खत्म हो जाएगी जैसे आपके अंदर आत्म साक्षात्कार आ जाए, उससे आप एकदम शुद्ध निर्मल खालिश हो जाए। यही खालिश की बात नानक साहब ने की, यहाँ आप शुद्ध हो, जो शुद्ध होते हैं वही असली खालिश है, और बाकी लोग अगर अपने ऊपर लगा ले कि हम आत्म साक्षात्कार ही हैं, हम विशेष संत साधु हैं, इससे कोई संत साधु नहीं हो सकता, कोई खालिश नहीं। वास्तविक में होना जब तक ये घटित नहीं हुआ तब तक ऐसे झूठे अपने ऊपर तमगे लगा देने से क्या हो सकता। मैंने तो ये भी सुना कि हरियाणा में बड़े तांत्रिक बैठे हुए
ये दूसरे महा झूठे लोग हैं और लोगों को लूट रहे हैं। आप लोग सीधे सरल लोग हैं, इसलिए शायद यहाँ बहुत से हरियाणे में लोग बैठ गए हैं आकर के। और मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी बोल नहीं पाते यहाँ सबके विशुद्धि में। यहाँ देखती हूँ कि बहुत से बच्चों में यह असर आ गया है और कोई बच्चे हैं उनकी दांत ठीक नहीं, किसी को कोई तकलीफ इस तरह की है। ये सारी तकलीफें इन तांत्रिकों की वजह से आए, क्योंकि ये प्रेत विद्या स्मशान विद्या वगैरह करते हैं और इन सबको बुला करके यहाँ पर उसका असर सारे जन समाज पे आ। इसलिए इनके पास जाना या इनसे मदद लेना भी बहुत गलत है। और कभी भी आप कोई भी तांत्रिक आपके पास आए तो आप उससे मुक्त रहे, मैं आपसे साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तांत्रिक कितना खराब काम करते हैं। स्विट्जरलैंड में तो इन लोगों ने ऐसी बीमारी फैला रखी है कि वहाँ छोटे बच्चे जो है वो बिस्तर में ही मर जाते हैं, वो सबकी आत्मा खींचते रहते हैं। और ये बड़ी गंदी विद्या है, इसमें सारा जो है सर्वनाश कर जा सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये धंधे करते, सिर्फ पैसा बनाना हो तो और तरीके, डाकू बन जाओ और कुछ करो, काला बाजार कर सकते और भी धंधे। पर आप तांत्रिक क्यों हो, इससे आप भी नर्क में जाओगे और जिनके साथ करोगे वो भी नर्क में जाए। सबसे जो दुख की बात है कि इनकी वजह से लोगों की कुंडलिनी भी नष्ट होगी। छोटे छोटे लोग जो हर जगह फैले हुए हैं उनके तरफ आप एक बार देख लें और सोच लें कि इनसे बहुत दूर भागना है। आप लोग बहुत सीधे सरल स्वभाव के लोग, हरियाणा में खेती के कारण लोगों में एक तरह की श्रद्धा है और इसलिए लोग मैं देखती हूँ बहुत सीधे सरल लोग, और ऐसे सीधे सरल लोगों को ठगाना बहुत आसान। लेकिन आप ही लोग बहुत सशक्त सहयोगी हो सकते हैं। इसी तरह यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, वहाँ लोग भी खेतिहर है, अधिकतर खेती करते हैं, वहाँ सबसे सशस्त्र सहयोगी है बहुत ज्यादा। इनमें इस कदर शक्तियाँ, इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं स्वयं आश्चर्य करती हूँ कि इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये सब इकट्ठा कर, और बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे भी हैं और इस कदर सहयोग में लगे हुए हैं कि अब और उनके लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं, सहज पे ही सारा कार्य कर रहे हैं। हालांकि शादीशुदा है, बच्चे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, किंतु सारा चित्त उनका जो है वो सहज पे है और चाहते हैं कि सारे संसार में सहज फैले। उसके लिए जो भी हो सकता वो करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी ऐसे लोग तब तैयार हो जाएंगे कि जो सारे विश्व में जाकर के सहज का कार्य करें। आप लोगों को देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ, इतने लोग सत्य को खोज रहे हैं। लेकिन सत्य के खोज में एक दो बातें आपको जरूर याद है। अभी एक बात है, सत्य की खोज में आपको नम्रता है। अगर आप मेरी गर्दन पकड़ के कहें कि तुम कुंडलिनी मेरी जागरूक करो तो कुंडलिनी जन्म लेगी करोगी। आपको नम्रता पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे आपका साक्षात्कार है, नम्रता। लेकिन इनके अंदर ये उदंडता है कि ये कैसे हो सकता है, अच्छा कर हो सकता है तो लेने में क्या हर्ज है, कोई आपको पैसा दे रहा है, इसमें आप पैसा क्या देंगे, इतनी अनमोल चीज में आप क्या पैसा देंगे। जो आप जीवन प्रक्रिया होती है उसमें क्या आप पृथ्वी को कुछ रुपया पैसा देते हैं क्या, उसको समझ में आता है। इसमें पैसा ऐसा नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा। और फिर जिस भूमि पर आप बैठे हैं आप तो जानते हैं कि ये एक धर्म भूमि है, योग भूमि, ये बड़ी महान है। और इस भूमि पर जाने कितने संत साधुओं ने कार्य किए, कितने अवतरण यहाँ चल कर आए हैं। इसलिए इस भूमि पर, इस पर आप बैठे हैं, इस योग भूमि पर बहुत ही आसान है कि आपको ये लाभ हो जाए और आप इसे प्राप्त करें। मैंने आपसे पहले कहा कि बुद्धि से ही एक चीज पर, इसलिए बुद्धि के चक्कर में इस वक्त नहीं आता, इसलिए मैंने कहा था मुझे आप प्रश्न पूछ।
बुद्धि से परे, इसीलिए कहा जाता है कि समर्पित होना। जब तक आप अपने अहंकार को समर्पण नहीं करेंगे तब तक कुंडलिनी कैसे चढ़ सकती। इसका मतलब नहीं कि मुझे कुछ आप पैसा समर्पण करिए, मुझे कुछ नहीं, पर उस परम चैतन्य के सामने अपने को समर्पित रखना चाहिए। हमने आज तक क्या पाया, हमें क्या मिला है सिवाय बात करने का, हमें एक तरीका है, लेकिन और हमने दुनिया में पाया ही क्या? अभी तो पाने की बात है, तब हमें चाहिए कि नम्रता को इसे हम प्राप्त करें। तो नम्रता नहीं होगी तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। नम्रता पूर्वक इसे आप स्वीकार करें और इसे आप जिन्हें इसका अनुभव नहीं चाहिए, जो इससे दूर रहना चाहते हैं, वो कृपया घर चले जाए तो अच्छा, क्योंकि यहाँ बैठ करके और सब लोगों के और देखने के लिए गर्व का मन हो ये गलत बात है, और ये सभ्यता है। इसलिए आप जिसको नहीं चाहिए वो घर चले जाए, क्योंकि ये इससे जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसकी मान्यता भी है और इसका आदर भी। आपकी स्वतंत्रता को हम किसी तरह से भी नहीं ठुकरा सकते, आप स्वतंत्र हैं, पर आप चाहें तो आत्म साक्षात्कार लें और नहीं चाहें तो न दें, उससे जबरदस्ती किसी प्रकार नहीं। आप ही बताइए, क्या आप किसी भी जीवन प्रक्रिया को जबरदस्ती से कर सकते हैं? इसलिए अब ये उत्तर की जो आखिरी चीज है उसके लिए आप इतना कह सकते हैं कि मनुष्य के पास जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का पूर्णतया आदर होगा, और इसके जिन्हें ये चीज नहीं चाहिए वो लोग कृपया छोड़ के चले जाए तो अच्छा। अब मैंने पहले आपसे बताया कि आज इस योग भूमि में बैठे, ये बहुत महान योग भूमि, अनादि काल से यहाँ संतों ने बहुत मेहनत की, उसके हमें फायदे, और उसका सबसे बड़ा फायदा है कि कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती है लोगों के रोजगार, और बहुत जल्दी इसे वो प्राप्त करते, और प्राप्त होने के बाद जमते नहीं, यह गलत बात। जब अंकुरित एक बीज हो गया उसे जमना चाहिए, और आशा है आप लोग आज के आत्म साक्षात्कार के बाद जरूर इसमें जमने का प्रयत्न करेंगे, और एक महीने के अंदर ही आप कहां से कहां पहुंच सकते। तो आप सबसे विनती है कि अपने आत्म साक्षात्कार का भी आप लोग पूरी तरह से आदर करें और अपना भी आदर करें। इसमें तीन शर्तें जरूर है। एक तो शर्त ये है कि हमें अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते और करेंगे आज ही, ये अंदर आप पूर्ण आत्मविश्वास रखें। ये नहीं सोचना है कि हम पापी हैं, हमने ये पाप किए और इस तरह के गलत काम, इसको कृपया आप पूरी तरह से कि मैं दोषी, हर चीज में अपने को दोषी देखना भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि उसे ये चक्र यहाँ पर व्यक्ति पकड़ जाए, और ये पकड़ जाने से ही स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, अंजाइना की बीमारी हो सकती है, और वैसे भी आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन है वो सारे ही कमजोर हो। इसलिए मैं दोषी हूँ, मैंने ये पाप किया, ये से वैसे इस तरह की बातें भी कुछ सोच। तो पहले तो ये कि आप आत्म साक्षात्कार मुझे होगा ही, ये पूर्ण आत्मविश्वास अपने अंदर रखें, और दूसरी बात ये कि मैं दोषी हूँ आदि बातें न सोचें, अपना जो बीत गया सो बीत गया, आज आप वर्तमान में मेरे सामने बैठे,
और इस वर्तमान में ही ये चीज घटित होने वाली है। इसलिए आप कृपया अपने भूतकाल को याद न करें, लेकिन आज वर्तमान में आप पहुंच गए। आप भी कोई पूर्व जन्म के बड़े साधक होंगे तो यहाँ पहुंचे होंगे, इसलिए इसे आप प्राप्त करें। और इसी बड़ी सीधी सरल बात है कि आप सबको एक साथ क्षमा करें, एक साथ क्षमा करते हैं, माने ये कि किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हालांकि आप किसी को क्षमा करें या ना करें, आप कुछ भी नहीं करें, विचार करें हम क्या करते हैं, हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो हम करते क्या, कुछ भी नहीं करते। उल्टे हम जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तब हम गलत हाथों खेलते हैं, और गलत हाथों खेलने में हम अपने ही को सताते हैं, अपने ही को सकते हैं। तो जिंदगी भर तो हमने अपने को सताया, जिन्होंने हमें सताया है वो तो अपने सुख की बंसी बजा रहे और हम क्यों अपने को सुख से रखे। और दूसरी बात ये भी है कि जो आज्ञा चक्र है तो इस तरह से पूरी तरह से आप देखिए इस तरह से बना, और इसको अगर खोलना है तो क्षमा करना अत्यावश्यक है। अगर आप क्षमा न करें तो कुंडलिनी ऊपर नहीं जाएगी। तो जिंदगी भर आपने अपने को सताया और फिर इस पर आत्म साक्षात्कार के समय भी अगर आपने सबको क्षमा नहीं कर डाला तो ये आज्ञा चक्र नहीं खुले। और किसी के बारे में सोचना ही नहीं, एकदम एक साथ कह दीजिए माँ मैंने सबको बिल्कुल हृदय से क्षमा, एकदम आपको हल्कापन लगे। इसकी बात तीन बातें मैंने आपसे कही है, आशा है आप लोग ये सब अपने हृदय में समझ करके इसे करें। आप लोग दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह, आपके पैरों में जूते हो तो निकाल दीजिए, जूते हो तो निकाल दीजिए, इस तरह से हाथ करें ठीक। अब अपनी गर्दन झुका और अपना लेफ्ट हैंड जो है पहले सुन ले, लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड मेरी ओर करके, लेफ्ट हैंड से आप यहाँ देखे जहाँ तालू पहले थी ना, एक छोटा सा स्थान है जो बचपन में बहुत ठीक होता था, वहां पर अपना हाथ लेफ्ट हैंड रखे, लेकिन ऊपर नहीं दूर रखे, दूर सर के ऊपर नहीं दूर रखे। और देखिए कि आपके तालू से ठंडी ठंडी लहर या गर्म हवा ऐसी कुछ आ रही, ये कुंडलिनी के ऊपर आने की लक्षण है। गर्दन झुका के देखिए तो इसी किसी को दूर आती है, किसी को नजदीक आती है, इसलिए देखिए। अब दूसरा लेफ्ट हैंड, आप दोषी आप बिल्कुल नहीं महसूस करना, अगर आपने अपने को दोषी समझा तो कुंडली नहीं जागृत होकर के भी नीचे गिर जाएगी। इसलिए यही कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, अपने मन में पूरी तरह से मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब राइट हैंड सर के ऊपर इस तरह से रखा था वैसे रखे, लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड पर ऊपर, मतलब ये कि अधर में उसको छूते सर को नहीं छूना है, दूर किसी किसी को बहुत दूर तक आती है। अगर आपने माफ नहीं किया होगा तो बहुत ही गर्म हवा आएगी, इसलिए माफ कर दीजिए, अभी भी माफ कर सकते हैं। सर झुका लो, अब अपने राइट हैंड को मेरे सामने करके लेफ्ट हैंड से शंका नहीं करने, आप ही की सबसे ठंडी आवाज है ये जान। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर और सर को पीछे मोड़ कर और अपने मन में एक प्रश्न करें, कोई सा भी एक प्रश्न जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रश्नों में से एक आप तीन बार मन में पूछें। आप मुझे माँ कह सकते हैं या श्री माता जी कह सकते हैं। माँ क्या ये परम चैतन्य है या क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम शक्ति, इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न तीन बार आप पूछिए। अब हाथ पीछे कर
अब दोनों हाथ मेरे ओर कर दी और विचार मत कर। अब जिन लोगों को दोनों हाथ में उंगलियों में हथेली में या सब ठंडी ठंडी हवाएं हैं, यही परम चैतन्य आज पहली मतलब आपको महसूस हुआ, वो ठंडी हो चाहे गर्म हो दोनों हाथ आप ऊपर सबको आनंद। सब साधु संत रहते हैं यहाँ हरियाणा में। Mm-hmm.